हेलो स्टूडेंट्स, EL 205 का फिफ्थ चैप्टर हम देख रहे थे, जो कि है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। तो इसमें हमने डी मल्टीप्लेक्सर डिस्कस किए थे। आज हम बाइनरी हाफ एडर के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं बाइनरी एडर क्या होता है। तो बाइनरी एडर इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। द आउटपुट ऑफ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट ओनली, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट में आपने क्या इनपुट दिया उसी पर डिपेंड करेगा इसका आउटपुट, ना कि प्रीवियस में पास्ट में कोई भी उसका इनपुट रहा होगा उससे इसमें कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डो नॉट डिपेंड अपॉन एनी प्रीवियसली अप्लाइड इनपुट्स, ठीक है। ये वही बात है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मेमोरी लाइक कॉम्पोनेंट। तो मेमोरी की तो ज़रूरत ही नहीं इसमें, क्योंकि पास्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में जो इनपुट है उसी से आउटपुट आएगा। बाइनरी एडर इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट वेरिएबल, ठीक है। अब बाइनरी एडर क्या होता है वो देख लिया हमने। अब हाफ एडर, बाइनरी के अंदर भी हाफ एडर क्या है। द मोस्ट बेसिक बाइनरी एडिशन इज़ एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स, दैट इज़ एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी के अंदर या तो ज़ीरो होता है या वन होता है, दो ही रहते हैं ये, जैसे डेसिमल में 0 से 9 तक रहता है ना। यहाँ पे 0 और 1 के ही कॉम्बिनेशन में रहती है जो भी वैल्यूज़ हैं वो। तो अब सबसे बेसिक एडिशन क्या हो जाएगा बाइनरी के अंदर, सिंगल बिट्स को ऐड करना, 0 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, 1 को 0 के साथ, या 1 और 1 को ऐड करें, ये तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो ये देख ली, 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। अब 1 प्लस 1 डेसिमल में तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे इसको हम 1 0 लिखते हैं। इन 1 बिट बाइनरी एडिशन, इफ़ ऑगेंड एंड एडेंड आर 1, द सम विल हैव 2 डिजिट्स। देखो बाकी केसेस में तो सिंगल डिजिट में ही, सिंगल बिट में ही आ रहा था इसका आउटपुट, लेकिन अगर दोनों जो बिट हम ऐड कर रहे हैं दोनों 1 है तो फिर डबल डिजिट में हमें रिजल्ट मिल रहा है। द हायर सिग्निफिकेंट बिट और लेफ्ट साइड बिट इज़ कॉल्ड कैरी, एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और राइट साइड बिट ऑफ रिजल्ट इज़ कॉल्ड सम बिट, ठीक है। अब अगर 2 डिजिट में इसमें आंसर आ रहा है तो जो हायर सिग्निफिकेंट बिट, ये फर्स्ट जो होती है ये तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इधर जो है ये 1 जो है ये हो गई हायर सिग्निफिकेंट बिट, या फिर लेफ्ट साइड में ये है और राइट में ये है। तो जो राइट है वो तो हो जाएगा इनका सम, और जो लेफ्ट में है वो हो जाएगा इनका कैरी। जैसे डेसिमल में हम लेते थे, डेसिमल में जब हम जोड़ते हैं उसमें हासिल आता है ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे ये कैरी कैरी बोलते हैं इसको। द लॉजिकल सर्किट परफॉर्म्स दिस 1 बिट बाइनरी एडिशन इज़ कॉल्ड हाफ एडर। तो जो भी लॉजिकल सर्किट ये 1 बिट वाला एडिशन को परफॉर्म करेगा उसको हम हाफ एडर कहते हैं। तो हाफ एडर के अंदर सिंगल सिंगल बिट को ऐड करते हैं हम। अब इसके डिज़ाइन देख लेते हैं। फॉर डिज़ाइनिंग अ हाफ एडर लॉजिक सर्किट वी फर्स्ट हैव टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर 2 इनपुट वेरिएबल्स, दैट इज़ ऑगेन एंड एड एंड बिट्स, 2 आउटपुट वेरिएबल्स कैरी एंड सम बिट्स। तो 4 चीज़ें हो जाएंगी, 2 तो इनपुट वाली बिट हो गई, अब आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, एक तो सम बिट होगी और एक कैरी वाली बिट होगी। इन फर्स्ट 3 बाइनरी एडिशंस देर इज़ नो कैरी, हैंस द कैरी इन दीज केसेज आर कंसिडर्ड एज 0। देखो बाकी जो 3ों केसेस थे इनमें तो हमें सिंगल ही मिल रही, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही मिल रही है इसमें केवल, तो लीस्ट वाली जो है उसको तो हम क्या मानते हैं सम, तो कैरी इसमें कुछ भी नहीं है तो कैरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि द लॉजिकल सर्किट परफॉर्म्स दिस 1 बिट बाइनरी, ओके, इन फर्स्ट 3 ये हमने देख लिया जिनमें सिंगल डिजिट में आ रहा है, सिंगल बिट आ रहा है, तो उसमें कोई कैरी नहीं है तो वो 0 हो जाएगी कैरी, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। ये हमने देख ही लिया, 0 0 से क्या था, तो 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, तो बाकी 3ों में तो 0 आ जाएगी कैरी, और ये जो दोनों बार 1 लिया तो इसमें 1 कैरी और 0 सम।
अब इसका के मैप बना लेते हैं। इस ट्रुथ टेबल को देख के हम इसका के मैप बना सकते हैं। एक एक के मैप तो बनेगा कैरी का और के एक के मैप बनेगा सम के लिए। ठीक है, तो कैरी के अंदर तो वन सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहा था, जब ए और बी दोनों वन है, तो बी यहाँ पे वन है और ए यहाँ पे वन है, तो इन दोनों ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे आके ये जो थर्ड सेल है इसमें आके। ऐसे इसी तरह से के मैप फॉर सम, सम के सम में भी दो केसेस में वन आ रहा था। ठीक है, एक बार तो जब ए ज़ीरो है और बी वन है, एक बार जब ए वन है और बी ज़ीरो है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं तो वन आता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए ज़ीरो बी वन और यहाँ पे हो जाएगा बी ज़ीरो और ए वन। तो ये के मैप हो गया दोनों के लिए, कैरी और सम के लिए। अब इस के मैप को देख के हम इसके लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कैरी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, जब भी ए बी वन है और बी बी वन है तो उसको सिंपल ए और बी लिखेंगे, और जब जहाँ पे भी जैसे बी ज़ीरो है तो जो भी ज़ीरो होगा उसके लिए बार लगाते हैं। तो इसलिए कैरी के लिए तो सिर्फ एक में ही आ रहा था, तो ए इंटू बी, और सम में जो है सी सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार तो ए वन है बी ज़ीरो है, एक बार बी वन है और ए ज़ीरो है, तो ए बी बार प्लस ए बार बी। अब इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन हमारा किस में आता था, एक्सओर गेट में आता था, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो सम तो जो है वो तो क्या हो जाएगा, इनका ए और बी का एक्सओर करेंगे तो एक्सओर गेट के इनपुट में देंगे इन दोनों को, तो आउटपुट जो होगा वो इनका सम होगा। और जब इन दोनों इनपुट्स को एक एंड गेट में देंगे तो वो क्या होगा हमारा, कैरी, क्योंकि इसका क्या आया था, कैरी का इक्वल टू ए बी आया था। तो मल्टीप्लाई कब होता है, एंड गेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसलिए ये कैरी आ जाएगा एंड गेट से। ऑल दो फ्रॉम ट्रुथ टेबल इट इज़ क्लियरली सीन दैट कैरी कॉलम सिग्निफाइज एंड ऑपरेशन एंड सम कॉलम सिग्निफाइज एक्स और ऑपरेशन बिटवीन इनपुट वेरिएबल्स, बट टिल वी वेंट थ्रू के मैप एज इट इज़ जनरल प्रैक्टिस टू डू सो फॉर मोर कॉम्प्लेक्स बाइनरी लॉजिक। ठीक है, ये वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा हाफ एडर।